आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी। बिहार के बेतिया जिले से आए यूनुस दिल्ली में ऑटो चलाते हैं। अब हालत ये है कि एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं। मैं खाना के लिए जा रहा हूँ, वो भी खाना भर पेट नहीं मिलता है। चार आदमी, आठ आदमी, हम तो चार आदमी को मिलता है, चार आदमी को मिलता नहीं है। हम लोग आते पेट खाका कर आते हैं, हम लोग पैसा नहीं है, भीख मांगा हो गया। जब जाते हैं तो पुलिस वाले डंडा मारता है उल्टे। दिल्ली में यूनुस जैसे सैकड़ों ऑटो चालक हैं, जिन्हें लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सरकारी योजनाएं भी उनसे कोसों दूर हैं। काम बंद है जी, ये भूखे मर रहे हैं। अब खाना कर रहे हैं कि इतना बांट दिए, इतना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। हम लोगों को तो कुछ मिला नहीं। वहाँ जाते हैं तो कच्चे पाके चावल दे रहे हैं, तो कहीं देता है। हम लोग दो आदमी, तीन आदमी परिवार के साथ में है, बी बच्चे के साथ में, तो दो आदमी के पाँच की जगह पर दो आदमी खाना दे रहे हैं। बंद है तो 22 तारीख से मैं बैठा हूँ। पहले का जो पैसा था वो ख़त्म हो गया, घर भी जाने नहीं पाया और बीवी बच्चा लोग यहीं हैं। और अभी तो लाइन में लग के खाना वो स्कूल से ले रहा हूँ दोनों टाइम का। अब कोई आधार नहीं है कि यहाँ गाड़ी भी बंद है, लॉक कब तक खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अब तो एक एक पल के लिए हम लोग को हालत खराब हो रहा है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, ऐसे में ऑटो के पहिए थमे हुए हैं। जो पैसे ऑटो ड्राइवर्स के पास थे वो अब खत्म भी हो चुके हैं। ऐसे में अब ऑटो चालक सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।